हेलो वेलकम टू ब्रामोकमा चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर से जो पीएचडी एडमिशन हो जाते हैं इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे कि देख सकते हैं ये आसाम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपसे ये करना क्या ये जो एडमिशन का ऑप्शन दिया गया है आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा दैन स्क्रोल डाउन कीजिए करने के बाद में ये जो नोटिस बोर्ड का सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया पी एच एडमिशन नोटिफिकेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो डाउनलोड करने के लिए आप सभी को ये जो पी का आइकन दिया गया है इस आइकन पर क्लिक कर देना है करने के बाद में कुछ इस तरीके पी डी डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हैं आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर पीएचडी एडमिशन नोटिस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकल के आई हुई है यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ए पे डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग तो पीएचडी कोर्सेस सिलचर एच की कैंपस के लिए है ये ओके सबसे पहले देख सकते हैं नंबर वन पे है अरबिक देन हिंदी मणिपुरी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स लॉ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉमर्स फार्मास्यूटिकल साइंसेज आर्ट साइंस फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स संस्कृत इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विजुअल आर्ट्स एडुकेशन कॉम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिंग्विस्टिक्स सोशल वर्क बंगाली सोशियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिस फ्रेंच मास कम्युनिकेशन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस ओके नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर बी पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी एच कोर्सेस डिफू कैंपस ये डिफू कैंपस के लिए है ओके नंबर वन पे देख सकते हैं कॉमर्स देन आसामीस हिंदी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ जोग्राफ़ी लाइफ साइंस एंड बायोथर्मेटिक्स एंड फिजिक्स इन सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकल कर आई हुई है आप सभी दोनों ही कैंपस का जो डिपार्टमेंट है अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा ओके नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है ओके मैं आपसे एक बता देता हूँ अगर आपने चार साल का बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करा है और उसके बाद में एक साल का मास्टर्स डिग्री अगर कंप्लीट करा है या फिर अगर आप सभी ने तीन साल का बैचलर्स डिग्री और उसके बाद में दो साल का मास्टर्स डिग्री अगर कंप्लीट करा है और मास्टर्स डिग्री में अगर आपके फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो ही आप सभी इस फॉर्म को फ़िलअप कर पाएंगे ओके इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनसे भी को प्रॉपर रिलेक्सेसन देखने को मिल जाएगा मार्क्स में ओके यानी कि फाइव परसेंट का रिलेक्सेन देखने को मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के पास अगर मास्टर्स डिग्री में फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी है तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और अगर आप सभी ने एम फिल डिग्री भी कम्प्लीट करा है तो भी आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे ओके नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन आप सभी को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है ओके और पेमेंट देख लेते हैं यानी कि एप्लीकेशन फी क्या रखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं रुपीस वन थाउजेंड यानी कि एक हज़ार रुपये जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ओके और नेक्स्ट देख सकते हैं रुपीस नाइन हंड्रेड यानी कि नौ सौ रुपये जो कि रखा गया है ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ओके नेक्स्ट रुपीस एट हंड्रेड यानी कि आठ सौ रुपये जो कि एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो कि आप सभी को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है ओके यहाँ पर देख सकते हैं द वेब लिंक फॉर द पर्पस सेल भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दिया गया इस लिंक के थ्रू से आप सभी पेमेंट कर पाएंगे ये जो लिंक है ट्वेंटी सेवन नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक एक्टिव रहेगा पेमेंट का लिंक ओके okay. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई अप टू अ मैक्सिमम ऑफ टू कोर्सेस यानी कि आप सभी मैक्सिमम दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो ओके ओनली फॉर पी एच डी प्रोग्राम Offer by Allied हाउ However, separate application should be submitted for each कोर्स विथ रिक्वेजेड एप्लीकेशन फी यानी कि आप सभी टोटल दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे लेकिन आप सभी को सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल चेकआउट कर लेते हैं हमें देखते हैं शेड्यूल दिया गया शेड्यूल अपडेट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडमिशन इन गिवेंट बिलो फॉर बोथ सिल्चर एंड एच क्यू एंड डिफू कैंपस के लिए ओके दोनों ही कैंपस के लिए यहाँ पे शेड्यूल अपडेट कर दिया गया सबसे पहले देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल नाइन्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी नौ नवंबर दो हजार तेईस से आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअ कर पाएंगे लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थी यानी कि उनतीस नवंबर दो हजार तेईस तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे नेक्स्ट देख सकते डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है इलेवन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट डेट्स फॉर वाइवा बोर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द रिटर्न टेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन सभी का जो वाइवा है वो कंडक्ट कराया जाएगा इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ डिसंबर टू नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन देख सकते हैं ट्वेंटी डिसम्बर टू एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर कोर्स वर्क ट्वेंटी दिसंबर 2023, 2023. यानी कि 21 दिसंबर 2023 से आप सभी का जो कोर्स वर्क का क्लासेस है स्टार्ट हो जाएगा ओके okay. आप सभी पूरा शेड्यूल अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन रिस्पेक्ट एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स विल बी मेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रॉपर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा ओके okay. नेक्स्ट यहाँ पे, okay, यह totally okay, okay, पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया द यूनिवर्सिटी डज नॉट इंश्योर नॉन नेट फेलोशिप यूनिवर्सिटी इंश्योर नहीं करता है नॉन नेट फेलोशिप के लिए ओके ये टोटली फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के जो फंड्स है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ओके यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में यहाँ पे अपडेट कर दिया गया आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को बता दिया है ओके okay, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी क्वाइरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर जय हिंद